संगम विश्वविद्यालय के एनसीसी शारीरिक दक्षता परीक्षण में छात्र छात्राओं ने खूब पसीना बहाया। विश्वविद्यालय के सत्र 2019-20 के प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए एनसीसी के चयन के लिए शारीरिक दक्षता का परीक्षण हुआ। प्रारंभ में सभी छात्र छात्राओं को संगम विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट डॉक्टर केपी यादव ने एनसीसी से जुड़ने के लिए प्रेरित किया तथा एनसीसी के लाभ बताए। रजिस्ट्रार डॉक्टर ओपी गुप्ता ने बताया कि चयन प्रक्रिया दो चरणों में चलेगी, जिसके प्रथम चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षण तथा द्वितीय चरण में साक्षात्कार होगा। संगम विश्वविद्यालय के एनसीसी अधिकारी राजकुमार जैन ने बताया कि शारीरिक परीक्षण में कुल 70 छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें शटल दौड़, लंबी कूद, समान भार दौड़, हर्डल आदि के द्वारा शारीरिक दक्षता की जाँच हुई। चयन प्रक्रिया में एनसीसी के सूबेदार राजेंद्र सिंह, प्रॉक्टर डॉक्टर राजीव मेहता, डॉक्टर निधि भटनागर, खेल अधिकारी संजय शर्मा, विक्रम सिंह भाटी, किशोर सिंह का चयन प्रक्रिया में विशेष सहयोग रहा। एनसीसी के प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए हमने फिजिकल वेरिफिकेशन टेस्ट का आयोजन किया, जिसमें बहुत सारी गतिविधियों का आयोजन किया, जिसमें स्टैंडिंग रन, फ्रॉग जंप, ब्रॉड जंप, हर्डल, भाग दौड़ इत्यादि के द्वारा हमने फिजिकल वेरिफिकेशन किया। प्रथम बार में 70 छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया। इसके बाद हम अगले द्वितीय चरण में इंटरव्यू का लेंगे, जिसमें जो भी छात्र छात्राएं एनसीसी का ए ग्रेड खेल कूद में या कोई स्टेट नेशनल का कोई सर्टिफिकेट है उनके पास है, उसके आधार पे और फिजिकल वेरिफिकेशन के आधार पे हम फाइनल छात्र छात्राओं का सिलेक्शन करेंगे। इसके लिए हमारे पास सूबेदार साहब बाहर से एनसीसी से भी पधारे हैं।